मेरे पीछे है ये 5 बेड जिन पर रहने वाले ये 5 कंटेस्टेंट और इनमें से जो भी अपने बेड पर लास्ट तक टिकेगा उसको मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए। गाइस मेरे को क्या लगता है ये चैलेंज मेरे लिए बना है क्योंकि भाई मेरे बाबा पड़बाबा सारे बेड पे लेटते थे। नॉर्मल बैठना ही है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए। इसमें चैलेंज कहाँ है? बेड पे लेटना इतना हार्ड थोड़ी होता है। मुझे तुम्हें देख के पता चल रहा होगा मैं 24 घंटे बेड पे ही पड़ा रहता हूँ। बात तो सही है। इस चैलेंज में है 2 मेन रूल्स। अगर तुम लोगों का इस बेड पे लेटे लेटे बेड से बाहर कोई भी बॉडी पार्ट टच होता है तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बेड पर लेट के तुम सोने की थोड़ी सी भी कोशिश करते हो तो भी तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये कैसा रूल है भाई? बेड दिया है और कह रही है सोना नहीं है। मैं तो ये सोचा था चैलेंज में देखेंगे कौन कितनी देर सो सके। अगर सुलाना ही होता तो तुम्हें बुलाती मैं, खुद ना सोती। भाई कैसे रूल सही है? डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि बेड पे लेके ना सोना ये बहुत हार्ड है। मैंने ऐसी पोजीशन ले ली जिसमें नींद आई नहीं सकती। जितना ये लोग सोच रहे हैं ये चैलेंज उतना इन लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला। ये चैलेंज जीतने के लिए इनको फेस करने पड़ेंगे कुछ खतरनाक टास्क। और तुम लोगों का पहला टास्क ये है, तुम लोगों को एक दूसरे से पूरे 1 मिनट तक करनी है पिलो फाइट। तुम में से कोई भी अगर बेड से बाहर होता है या किसी का भी बॉडी पार्ट बेड से बाहर टच होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बहुत मारा मुझे। ये भी कोई टास्क था? ये तो मैं बचपन में अपने भाई के साथ रोज खेलता था। मुझे तो उम्मीद थी कि कुछ तगड़ा होगा पर यहाँ पे तुमसे तगड़ा तो कोई है ही नहीं। गाइस ये लोग अभी चैलेंज को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं और मजाक मस्ती करने में लगे हुए हैं। इन लोगों को जरा सा भी आइडिया नहीं है कि आगे इनके साथ क्या क्या होने वाला है। तो अब टाइम है ना इनके बेड पे ना कुछ चीजें ऐड करने का। तो गाइस मेरे हाथ में है ये बाउल और बाउल में है बहुत सारी पर्चियां और तुम्हें एक एक करके ये पर्चियां उठानी है और जिसकी पर्ची में जो भी चीज निकलेगी वो आइटम तुम्हारे बेड पर ऐड करके आ जाएगा। मेरे को तो रिजाई दे दो, ठंड लग रही है मेरे को। कुछ खाने को मिल जाता तो बढ़िया रहता। आप भी अपनी फरमाइश बता दीजिए। इसको तो भाई डाइपर डूपर दे दो, कह रहा पिसाब आ रहा है मेरा बहुत देर से। जो ये चाहते हैं वैसा तो नहीं होगा। अब तो ये पर्चियां डिसाइड करेंगी कि इनके पास क्या आने वाला है। तो सबसे पहले पर्ची उठाएंगे हमारी चारू जी। ब्लैंकेट भाई पहले में ब्लैंकेट निकला है, मतलब ये आगे कितनी बढ़िया बढ़िया चीज होंगी। हाय गाइस गुड नाइट। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अरे भाई अब उठ के उठा ले। हर सही है, बढ़िया भाई। तेरे तो कंफर्म हो गया तू बेड से चिपका ही रहेगा। इतना सारा बेबी कोल से मेरा पूरा गांव भर जाएगा। इतनी घटिया चीज पे बैठने से अच्छा मैं निकलना पसंद करूंगा। मैं इसमें कैसे सरवाइव करूंगा? ये तो गोबर से भी बुरा है भाई। अभी से इसकी ऐसी तैसी हो गई यार, आगे तो बहुत कुछ होगा। ओह शिट, आइस ऑन द रॉक्स तो सुना था, आइस ऑन द बेड कहां से आ गया? सोना चांदी डायमंड भाई डायमंड आ गए हैं। डायमंड अलग अलग तरह के स्टोन से नकली डायमंड लाई होगी। अरे भाई ये कौन सा काला, ये तो काला डायमंड लाई है भाई। तेरे नुकसान होगा भाई, चद्दर वद्दर फट जाएगी भाई। यार ये क्या है निशु भाई, ये तो कभी पिघलेगी नहीं बेड पे से, तो हमेशा रहेगी यहाँ।
जब मैं ब्लैक कैट कमांडो की ट्रेनिंग ले रहा था तो वहाँ मैं पत्थरों पे कांटों पे अलग अलग चीजों पे सोया हूँ, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता उन चीजों कुछ भी। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस तरह से लेवल बढ़ता आ रहा है इस बेचारे को क्या मिलेगा। मैं तो खुद इतना बड़ा हूँ, यही छोटा बट रहा है, इसमें भी कट बोल दिया और जाऊंगा कहाँ। प्लीज थोड़ा सा अब दिया थोड़ा नीचे कर दो ना। क्या कर दिया ये? चैलेंज मिला था बेड पे लेटने का, यहाँ बेड ही काट दिया, कहाँ जाऊँ मैं? जो है यही है, अब इसी बेड पे तुझे गुजारा करना है, अब इस पे बैठ, लेट, खड़ा रहे, तेरी मर्जी। शुक्र है कम से कम हमारे पास बेड तो है, इसको तो खटोला बना दिया। गाइस, इनको कुछ देर अकेला छोड़ने के बाद हमने देखा कि जिसको सबसे कंफर्टेबल बेड मिला था उसी ने गेम का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया। खतरनाक चीजें आई थी और वो फिर भी बैठे थे, आपके पास कंबल आया था, सबसे आसान चीज, सबसे खतरनाक यही था। शुक्र है भाई मेरे पे ईंट पत्थर आए हैं, कम से कम ये मुझे नींद तो नहीं आने देंगे। मैं अकेली लड़की बच्ची हूँ इस चैलेंज में। लाने का इनकी पेट पूजा का, तो भाई तुम चारों के सामने यहाँ चार बॉक्सेस रखे हैं और इन बॉक्सेस में अलग अलग तरीके की खाने की चीजें, तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी एक बॉक्स उठा सकते हो, लेकिन उस बॉक्स में जो भी आइटम निकलेगा वो तुमको पूरा खाना पड़ेगा। अगर तुम उसको पूरा नहीं खाते हो तो तुम इस चैलेंज में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बड़ा है तो कुछ ज्यादा सामान होगा, मेरे को ज्यादा भूख लगी। डिस्क्वालीफाई नहीं होना तो इसलिए मैं इसको खाऊंगा, चाहे कैसे भी खाऊं। गलत आदमी के हाथ लग गया अदरक भी, क्या सोच रहा हूँ कौन दाना तो मुझे पूरा ही खा जाएगा। क्या ये है आपका आंवला और करेले का जूस? बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। वो वाला उठा ले। ये होती है किस्मत भाई, मेरे हिस्से में आया है मैकडी का मील। नेक्स्ट टास्क का, और इस टास्क में हमने इनके बेड पे लगा दिया 20 बलून जिनको इन्हें अपने मुंह से फोड़ना है, और इन बलून को फोड़ने के लिए इनको मिलेंगे सिर्फ 30 सेकंड, और इन 30 सेकंड में जो सबसे कम बलून फोड़ेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। इनके 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं और इनमें से जिसके बलून मुझे अभी भी सबसे ज्यादा दिख रहे हैं वो है ऐश्वर्या। बुरा लग रहा है बट आप होती इस चैलेंज से। अब तो कंफर्म है जीत के ही जाऊंगा, इनसे ज्यादा बलून फोड़े हैं मैंने। गुब्बारे फोड़ने होते तो बर्थडे में जाता ना, यहाँ क्या कर रहा है। तो गाइस एलिमिनेशन के बाद यार इनके बेड ना काफी ज्यादा खाली खाली हो गए हैं, और अब टाइम में इनके बेड पे कुछ मेहमानों को ऐड करना था, और हमने लगा दिया सामने एक बोर्ड, और उस बोर्ड पे लगी हुई है 3 पर्चियां, और उन पर्चियों पे लिखे हुए अलग अलग मेहमानों के नाम, और तुम लोगों को एक एक करके इन डार्ट से उन पर्चियों पे मारना है, और जिसकी पर्ची में जिस मेहमान का नाम आएगा वो अगले 5 मिनट के लिए तुम्हारे बेड पे ऐड हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो मेरे साथ घुले मिले, खेले, बातचीत करे और थोड़ा फन करे यार। भाई अब यहाँ पे और किसे बैठाऊंगा? स्पाइडरमैन तो लंदन अमेरिका रहता है। ये हमारा देसी स्पाइडरमैन है। ओते स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तो मेरे बेड का मेहमान नहीं भाई तू। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल पे चैन। ये बोल तो इधर स्पाइडरमैन का। अरे ये तो क्या है।
पा रहे हैं, बस वंडर वुमन आ जाए मेरे साथ नाच में ऐसे। वंडर वुमन भी है ना? हाँ, वंडर वुमन भी है। चलो निशाने लगाओ। बस भगवान, कोई लेडीज सुपर हीरो निकले मेरे में। मेरे में आया सॉफ्ट। इस पापी गुड्डे के साथ मैं क्या करूं? इतने साले लेट मार तू भी यहाँ। गजब बेइज्जती है। ये तो गुड्डे के साथ लेट गया और वहाँ हमारा स्पाइडरमैन गिट्टे खेल रहा है। अब बारी है अंश की। अंश, एक ही बची तो क्या ही मारूं आप ऐसे? भाई सांप आएगा। भाई ये दो मुंह सांप है। अगर तू नहीं रहना चाहता तो पहले बता भाई। तो ये तो यार इसको यार ले जा यार, प्लीज तो ले जा यार। ये है पास डिपेंडेंसी है तेरा। यस करने कैसे क्या बुला दिया? नहीं यार, देखने में कितना डरावना लग रही है। भाई मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझसे पेशाब कंट्रोल नहीं होता। मैंने इन दोनों से पूछ लिया कि भाई तुम निकलोगे? ये तो कह रहे हैं हम 10-10 घंटे बैठ जाएंगे पर निकलेंगे नहीं। भाई मैं इससे ज़्यादा पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरी थैली फट जाएगी, 1.5-2 लाख का ऑपरेशन होगा। इससे अच्छा है 50,000 हार जाता। तो गाइस मैं हो चुका है इस चैलेंज से बाहर और मुझे मिल चुके मेरे दो फाइनलिस्ट। जो ये चैलेंज है ये डिपेंड करता है इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ पे। अब इनमें से जो भी लास्ट तक टिका रहेगा, बिना सोए, बिना थके, बिना रुके, वही होगा इस चैलेंज का विनर। गाइस मैं बहुत आगे आ चुका हूँ और इस लेवल पे आके मैं हार नहीं मानना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को कितना कंट्रोल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तो भाई देखो, नींद का तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अब डर लग रहा है कि सुसु का, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है और प्रेशर भी बन रहा है। पर अगर यहाँ आके हारूंगा तो बुरा तो लगेगा। भाई ये लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे दोबारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड बटन दबाओ दबाओ। इनको मॉनिटर कर ही रहे थे और तभी मुझे आई ये आवाज। सुधी क्या हो गया भाई? यार अब नहीं हो रहा कंट्रोल। क्या हुआ? अब लग गई, अब इतनी देर से अब कंट्रोल नहीं हो रहा, प्रेशर बढ़ गया। एक बार और सोच ले, इतनी आगे तक आया, हार मानेगा? देखो यहाँ पर आके बुरा तो लग रहा है, पर सिचुएशन ही ऐसी होगी तो क्विट करना ही पड़ेगा मेरे को। सुसु अब तो भाई दीदी अब नहीं रुका जा रहा, मैं जा रहा हूँ भाई। ओ भाई साहब, मतलब बंदा इतना करीब आके सुसु की वजह से आउट हो गया। तो गाइस इस चैलेंज का विनर है अंश और इसको मिलते हैं पूरे 50,000। जल्दी से सब्सक्राइब करो निशु तिवारी व्लॉग।